Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप देख रहे हैं ISN7 न्यूज मथुरा। मंगलवार को चौहमा विकास खंड के गांव बरौली की राशन की दुकान के आवंटन के लिए खुली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दो पक्षों के बीच हंगामेदार स्थिति बनने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस की मौजूदगी में दुकान का आवंटन किया गया। वहीं गांव में राशन की दुकान है, एक दुकान है जिसे विगत दिन निरस्त कर दिया गया था। गांव में राशन की दुकान निरस्त होने के बाद दोबारा राशन की दुकान का आवंटन होना था। इसे लेकर दो पक्षों के समूह तैयार हो गए, लेकिन वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि एक समूह के लिए ग्राम प्रधान व अधिकारियों ने उनको समय नहीं दिया, जिसे लेकर ग्राम प्रधान की सहमति से प्रथम पक्ष को राशन दुकान का आवंटन कर दिया गया, लेकिन वहीं द्वितीय पक्ष की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो सकी। द्वितीय पक्ष ने ग्राम प्रधान में पूर्ति अधिकारियों पर दबंगे का आरोप लगाया। दूसरे पक्ष का कहना था कि यहां ग्राम प्रधान की सहमति से व अधिकारियों की मिली भगत से प्रथम पक्ष को राशन दुकान का आवंटन किया गया है, जिसे लेकर ग्राम प्रधान को पहले से ही हंगामे होने की संभावना थी। वहीं ग्राम प्रधान ने पहले से ही खुली बैठक में पुलिस को बुलाया था, जिससे हंगामे की कोई स्थिति न बने। साथ ही खुली बैठक के दौरान पुलिस तथा आपूर्ति अधिकारियों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बखूबी उड़ाया गया, जहां खुली बैठक के दौरान लोगों के बीच कोई भी दूरी नहीं थी। हर व्यक्ति व महिला एक दूसरे से छिपक कर बैठे हुए थे। किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग की ओर ध्यान नहीं दिया। अधिकांश लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। ग्रामीणों ने कोरोना की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। मथुरा से मुकेश कौशिक की रिपोर्ट। आज की खुली बैठक उचित दर व्यवस्था के चयन के लिए बुलाई गई थी और इसमें शासन की व्यवस्थाओं के अनुसार स्वयं सहायता समूह को आवंटन किया जाना था। दूसरा समूह जो है इनका स्वयं सहायता समूह जो है गठन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है, क्योंकि इन्होंने अपनी कार्रवाई विलंब से शुरू करी। अगर ये समय से रहते कर लेते तो हो सकता वो आज भी प्रतिवाद करते यहाँ पर। उनका कहना है कि हम गए और वहाँ पर नहीं मिल पाए, अब दफ्तर बंद कर गए, कुछ ऐसे आरोप लगे हैं यहाँ पर, उसके बारे में क्या करें? ऐसी कुछ बात नहीं है सर, जो व्यवस्थाएं हैं उसी व्यवस्थाओं में काम किया गया है और अधिकारियों के पास कई कार्य रहते हैं, उस कार्य में कई निहित होंगे वो लोग। दफ्तर कोई बंद नहीं होता, दफ्तर खुला है और आपकी जो आपत्ति थी वो वहाँ ऑफिस में ली गई है, प्राप्त की गई है। खुली पंचायत हुई है साहब, इसमें जो सस्ते राशन की दुकान को अलॉट करने के पक्ष में, इसमें जो सरकार ने अब नया नियम निकाला है उसमें समूह बनाया जाता है, तो हमने जो समूह के लिए 20 दिन से 25 दिन से जो हम घूम रहे हैं, पिछली 5 तारीख डेट थी, 5 तारीख के बाद में इसको बढ़ाकर 22 किया गया था, हम 5 तारीख से कंटिन्यू घूम रहे हैं और हमारा अधिकारियों ने किसी ने कोई समूह बना के नहीं दिया, सचिव ने भी नहीं बना के दिया, सेक्रेटरी साहब ने तो हमसे पैसे भी लिए और हमारे डॉक्यूमेंट्स भी लिए, दोनों लेने के बाद में हमारा समूह नहीं बनाया है आज तक। कल हमारे पास में एडीओ पंचायत के लिए लेटर निकाला गया है कि ये जो समूह बना है इस समूह की जांच करें, जो दूसरा बनाया और जो हमारे वाले समूह को बनाने की प्रक्रिया चालू की जाए। हमसे ये पत्र दिया गया है बायकादा और इसकी रिसीप भी हमारे पास में है, ये रही कल की तारीख में विनोद कुमार ने चौमा में हमसे ये रिसीप किया है और आज केवल हमारी ना तो कोई बात सुनी गई, ना हमारे को बोलने दिया, नहीं कुछ किया, पूरी गुंडागर्दी के साथ में प्रधान एडीओ बीडीओ सभी ने सेक्रेटरी सभी ने मिल के और जो ना कोटा को दूसरी पार्टी को अलॉट कर दिया। उचित दर दुकानों से होने वाले आर्थिक लाभ के क्षेत्र को विस्तृत करने के उद्देश्य से ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वयं सहायता समूह को भी उचित दर दुकानों की आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। अतः इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग के उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों के क्रम में ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को अनुकंपा के आधार पर
प्रस्तावित रिक्तियों को छोड़ते हुए शेष रिक्त उचित दर विक्रेताओं की दुकान समूहों को आवंटन करने का कार्य करना है। इसमें कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, वो भी पढ़ देता हूं। स्वयं सहायता समूहों को उचित दर दुकान के आवंटन में समस्त आवेदकों पर प्रथम वरीयता प्रदान की जाएगी। एक बार पुनः पढ़ देता हूं। स्वयं सहायता समूहों को उचित दर विक्रेताओं के आवंटन में समस्त आवेदकों में प्रथम वरीयता प्रदान की जाएगी।